₹100 की 1 किलो, लाल मिर्ची 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 ये जो बंदा ₹100 की 1 किलो स्ट्रॉबेरी बेच रहा है ये अच्छी है मगर उस हिसाब में नहीं है जैसा होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा फल है जो कि रमज़ानों के लिए बेहतरीन है, इसकी तासीर सर्द है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत है, इरशाद है इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है, जिसे ये रात मिल जाए वो खुश नसीब। ये ₹200 दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माल है। देखो ऊपर नीचे एक जैसा, एक ही चीज रखा है, साफ सुथरा, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या नाम है बेटा तेरा? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ बेच रहा है ₹200 किलो साफ माल, पहले 300 थी अब ₹200 हो गई, ये बात सही है और माल भी अच्छा है इनका। चलो बेटा आगे खरबूजे वाले हैं, आगे खरबूजे वाले हैं, ये देखिए फिलो फिलो चला रहा, ये देखिए खरबूजे बिक रहा है 2.5 किलो ₹200 का 2 किलो यानी ₹125 किलो, बहुत अच्छा खरबूजा आपको मिल रहा है। ये स्ट्रॉबेरी एक और आ गई, ये भी वो बोल रहे हैं यहाँ भी बनाओ, खजूर वाले आ गए, चलो किलो चलाओ, चलो चलाओ चलो भाई, एक मामूली लगता है। हाँ भाई ये सब देखें आप, आगे भी फल वाले हैं और इस वक्त असर की नमाज के बाद का वक्त है। ये अमरूद वाले भाई आ गए, चीकू वाले हैं और ये खजूरें हैं, हर किस्म की खजूरें इनके पास मौजूद हैं। और ये स्ट्रॉबेरी है, लगता है स्ट्रॉबेरी मार्केट में ज़्यादा आ गई है और तरबूज काफ़ी कम है और महंगे हैं। केले वाले हैं ₹120, ₹200 और ₹180, ये केले के रेट हैं। ये पपीते वाला भाई बैठा हुआ है, ₹150 किलो है पपीता। माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी सारे फ्रूट वाले हैं और खुशी की बात यह है कि रेट भी मुनासिब हैं, वरना होता यह है कि रमज़ानों में लूट मार शुरू हो जाती है, हर कोई दाम महंगे कर देता है, मगर इस वक्त अल्लाह का करम है कि दाम बिल्कुल मुनासिब हैं। एक तरबूज है जो महंगा है मगर उसका सीज़न भी नहीं है। ₹200 किलो भाई, ₹150 क्या लाओगे? क्या किलो लाओ? स्ट्रॉबेरी सही है। हाँ हाँ ये चैनल पे डालूंगा, लोग ज़्यादा आएंगे। ये परवाह नहीं दे रहा, मैं वीडियो बनाया, वीडियो बना रहा हूँ, ये चैनल का है, मैंने बनाया आपकी बनाया, समझे ना कि ये सस्ती मिली है स्ट्रॉबेरी, इसलिए मैंने बनाया।
इसमें तुम्हारा अपना फायदा है। एक दफा आवाज लगा दो, हाँ बेटा आवाज लगा दो, एक दफा दो अच्छी है। केला कैसा दर्जन? 120। वाकई बेहतरीन केला है, इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं। ये केला जो है ना 180 रुपये बिक रहा है फोर के चौरंगी पे, ये 120 दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी 180 रुपये किलो ये दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी अच्छी है और मैंने खुद इनसे ये 2 किलो स्ट्रॉबेरी लिया हूँ। ये देखें 2 किलो मैंने ये लड़के से लिया है, 180 रुपये किलो दे रहे हैं और इनका माल भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश है, नीचे ख़राब इन्होंने माल नहीं दबाया हुआ। होता ये है कि लोग ऊपर सही रखते हैं और नीचे जो है ना वो बड़ा हिसाब किताब होता है। ये देखना ये बच्चे हैं माशाल्लाह बिल्कुल सही है। रमज़ान के हवाले से कुछ काउजा और शर्ट्स वगैरह आगे लगी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रास्ते में फल वाले भी हैं, ये मच्छरदानियाँ हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी और मच्छर बहुत होते हैं। ये पेंटें लटकी हुई हैं और ये बच्चों के खिलौने हैं, ट्राउज़र हैं, शर्ट्स हैं। देखे आगे काफ़ी सारे लोग हैं और ये मच्छरदानी है, ये मच्छरदानियाँ हैं, हर किस्म की यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के फ्रूट हैं और फिर ये फल वाले आ गए, क्योंकि रमज़ान है फ्रूट वाले काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ थोड़े बहुत यहाँ शूज़ वाले भी हैं। और तरबूज कैसा दे रहे हैं? 150 रुपये किलो तरबूज है भाई, बोल के दोगे? बोल के चेक करा के दोगे ना? दो सही है तरबूज, लाल देना, 2 पीस करके लूंगा 20 से। दो पीस नहीं करेंगे, टाची निकाल के दूंगा, टाची बड़ी निकाल के दो। हाँ जैसे बोलोगे बड़ी दो। कितना है ये तरबूज? तरबूज कैसे बेटा? 150 रुपये किलो ये लड़का तरबूज दे रहा है, 150 रुपये तरबूज दे रहा है। ये तरबूज भी देखें, ये अच्छा है, सैलानी का दस्तरखान लगा हुआ है सामने, सैलानी का दस्तरखान। ये दिखा रहा है कि ये सही है या नहीं है, अभी मालूम पड़ेगा। ये देख कैसा है, आजकल ऐसे ही आ रहा है बेटा। हाँ ऐसे ही रहा है, ये मैं बता दूँ, अगर तुम बोलोगे पहले जैसा आएगा तो पहले नहीं पता नहीं। हाँ आएगा ऐसे ही, हाँ इसका सीजन है नहीं, किलो ईद के बाद, ईद के बाद आओ आवाज आ रही है या रमज़ान के आखिर में होगा? सही, रमज़ान के आखिर में हो सकता होगा। हाँ इंशाल्लाह। देखें ये फिर कपड़े वाले आ गए हैं, मच्छरदानी भी इनके पास हैं और एक और तरबूज वाला है। ये बच्चे कितने सारे हैं देखें आप, पूरी फौज बैठी हुई है। सामने नूर नसा हॉस्पिटल है आँखों का और ये सामने मस्जिद है बहुत बड़ी, ये मरकज बन रहा है ये सामने। और फ्रूट वाले फिर आ गए हैं,
सामने ये अल गफूर ग्रुप, इनकी जो है ना ये शोरूम आ गया है, काफ़ी बड़ा है अल गफूर ग्रुप बिल्डर। और ये देखें लैंड से खरबूजे वाले हैं, पपीता है और केले वाले हैं। और ये कलौची कलौची करके एक है, बहुत मीठा। जिंदगी मौत नहीं अमानती, बंदे ना वक्त पूरा होना ते जाना ठीक, साढ़ा वक्त पूरा हो सी असा हाँ टूरी जा सा, थोड़ा गौर करे है। माँ देखें एक मेले का समय है इस वक्त, क्यों कि अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है और यह वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, ज़रा सोचो, और मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी, सिटी ऑफ लाइट कराची से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। पिछले रमज़ान में कितने लोग थे जो हम में आज मौजूद नहीं हैं, ज़रा सोचो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ। जब हम अपने दस्तरखान सजाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दस्तरखान बिल्कुल खाली हैं। इन दुआओं के साथ इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, सबका निगहबान अल्लाह मेहरबान।